वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत हाई, विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे बात। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबी अखिलेश यादव की नैया, विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया हमला। कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना पूछा। अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करना पड़े तो क्या करेंगे। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, कल भी होगी बैठक। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा। भारत ने 64 साल पुरानी संधि की समीक्षा की मांग की। बिहार के नवादा में दबंगों पर दलित बस्ती जलाने का आरोप, भूमाफिया ने जलाए 21 दलितों के घर। नवादा में आगजनी मामले में 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई थी आगजनी की घटना। नवादा एसडीपीओ के अनुसार उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग, घटना में कोई हताहत नहीं। घरों में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया हमला। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्सपोस्ट लिखा, महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार के नवादा में दलित का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर, पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, पितृपक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी के साथ सभी मंत्री भी लेंगे शपथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दाखिल की जमानत याचिका, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा, 25 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशन की नींव पर का काम पूरा, बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च अभियान, गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी पहुंची टीम। मनोरमा देवी और उनके घर के सदस्यों से एनआईए की पूछताछ, मनोरमा देवी का दिवंगत पति बिंदेश्वरी यादव था नक्सल गतिविधि में शामिल, बिंदेश्वरी यादव पर राजद्रोह का भी दर्ज हुआ था केस। लोटस 3000 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन, देश भर के कई ठिकानों पर ईडी की ने की रेड, दिल्ली मेरठ नोएडा और चंडीगढ़ में छापा। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर रेड, 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद, 300 करोड़ रुपए का था घोटाला। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी ने मचाई भयंकर तबाही, चांद दियर पुलिस चेक पोस्ट के पास माझी बैरिया रोड NH31 की मुख्य सड़क ध्वस्त की। NH31 अचानक टूटने की सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे, सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ फंसे, पीड़ित लोगों ने मुख्य सड़क और रेलवे लाइन पर लिया शरण। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात, सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 1 घायल बदमाश, 4 या 5 केस में वांटेड अपराधी, दूसरा मर्डर केस का आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन, घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग का। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों सहित 5 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों में एक का जन्मदिन मनाकर गुरुग्राम से लौट रहे थे सभी लोग, कार पर नियंत्रण खोने के चलते हादसा। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट, लुटेरों ने बैंक के गार्ड को मारी गोली, बैंक में आई 2 महिलाओं को भी किया जख्मी। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी, हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की नीरू ने जीती जिंदगी की जंग, 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई, करीब 15 घंटे तक चला ऑपरेशन, बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में अंधेरी राजा गणपति के चरणों में रखी गई ICC T20 वेमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बप्पा से मांगी गई जीत की मन्नत। 3 अक्टूबर से होगा वेमेन वर्ल्ड कप का आगाज, दुबई और शारजहां में खेला जाएगा मैच।